Let's do question number 9 of exercise 12A, that is circles. Question number 9 is, in the given figure, O is the center of a circle in which chord AB and CD intersect at P. Friends, is figure de rakhi hai, figure mein O center de rakha hai aur AB aur CD ek do chords de rakhi hai jo ki intersect kar rahi hai aapas mein P point pe, such that PO bisect kar raha hai angle BPD ko. बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, राइट फ्रेंड्स. आगे क्या कह रहा है, प्रूफ दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी. हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल है सी डी के. कैसे करेंगे, गिवन गिवन दे रखा है हमें कि ए बी एंड सी डी आर द टू कॉर्ड्स, कॉर्ड्स दे रखी हैं. और क्या दे रखा है हमें, ओपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बीपीडी को, दैट्स इट. और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी. तो देखिए कंस्ट्रक्शन, जो डॉटेड लाइन है वो इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखी है. हमने जॉइन ओपी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर दे रखा है किस पे, सी डी पे, एंड ओ ई परपेंडिकुलर दे रखा है ए बी पे, राइट फ्रेंड्स. अब प्रूफ, प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हम ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं तो ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे. और अगर हम ये दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि जो ओ एफ इक्वल्स टू ओ ई, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इन ट्राइंगल ओ एफ पी एंड ट्राइंगल ओ ई पी. अब देखिए ओ पी, ओ पी क्या है दोनों में, कॉमन है, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन. ओ पी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी पी डी को, तो एंगल ओ पी ई एफ is equals to angle OPE given दे रखा है, right? अब तीसरी चीज, जब हम ये perpendicular डालते हैं, ये क्या करता है, 90 degree का angle बनाता है, तो हम कह सकते हैं angle OFP is equals to angle OEP each 90 degree, right friends? तो अब क्या हो गया, ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए. ओ एफ पी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ओ ई पी, कौन सा रूल, देखिए एंगल कॉन्करेंट आया, ओ पी एक साइड आई और हमारा ये वाला एंगल आया, राइट फ्रेंड्स. तो क्या हो गया, ये एस रूल से कॉन्करेंट हो गया, राइट. अब जब ये ए एस रूल से कॉन्करेंट हो गया तो हम इजिली कह सकते हैं कि ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ ई है बाय सी पी सी टी सी, राइट. अब सी पी सी टी, सॉरी. नाउ जब हमें पता है, जब ओ एफ इक्वल्स टू ओ ई आ गया तो हमें पता है कि कॉर्ड्स क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं the chords equidistance from the center are equal, equal होती है, तो that means AB equals to CD. यही हमें प्रूव करना था, that means this is the answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.